तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये बच्चों ने कभी लूसन खाया नहीं है, जब इनको टेस्ट लगेगा तो ये खाएंगे। देखें अब ये बच्चे कितनी शौक से ये लूसन खा रहे हैं और खाने के लिए लड़ाइयाँ कर रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपको नज़र आ रहा होगा कि आज हम अपने तोतों के लिए, बजरीज के लिए और मुर्गियों के लिए ये लूसन लेके आए हैं। ये लूसन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। सर्द मौसम में अपने परिंदों को देना चाहिए, इससे इनकी अच्छी ब्रीडिंग होती है और डिफरेंट विटामिन इनके पूरे होते हैं और बीमारियाँ भी नहीं लगती। तो चलें हम आपको अब अपने तोतों को ये डाल के दिखाते हैं कि कितने शौक से वो खाते हैं, और उसके बाद हम अपनी मुर्गियों को ये डालेंगे लूसन। देखें हमें अपने तोतों को लूसन डाल दिया है और तोतों ने देखें ये बिल्कुल खाना स्टार्ट कर दिया है। और ये ना सिर्फ खुद खाएंगे बल्कि जो ये मटकियां हैं इनमें इनके बच्चे भी हैं, ये बच्चों को भी ये लूसन खिलाएंगे। बड़े शौक से देखें ये खा रहे हैं और इनको ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इनको तकरीबन हफ्ते में एक दिन ये डालता हूँ, इससे ये हीट पे भी आते हैं और क्योंकि ब्रीडिंग इन्होंने करनी है। अब नेक्स्ट बच्चे इनके जो डोलची में हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए भी इनकी डिफरेंट हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। देखें ये ग्रीन तोता किस तरह ये खा रहा है, सेकंड में आपको ये ग्रीन तोती नज़र आ रही होगी और इसका ये ब्लू मेल तोता, ये दोनों भी खा रहे हैं। और ये थर्ड पेयर में आपको ब्लू तोता और ये मल्टीपल कलर का तोता और ब्लू तोती नज़र आ रही होगी, ये भी खा रहे हैं। ये हमारा नया पेयर है जो अभी रेडी हो रहा है ब्रीडिंग के लिए, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसको भी हमने डाल दिया है। देखिए इनके आपको चूंचों में नज़र आ रहा होगा ग्रीन ग्रीन हो रही हैं, तो इन्होंने भी ये खाना स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी ब्रीडिंग होनी होती है, ब्रीडिंग से पहले आप ये खिलाया करें इनको, और ब्रीडिंग के लिए ये बहुत अच्छी जो है वो विटामिन है। देखें ये किस तरह खा रहे हैं, हालांकि इनके बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन क्योंकि अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं और डोलची से बाहर आ रहे हैं आस्ता आस्ता, और कुछ तो आ भी चुके हैं जो डोलची से बाहर आते हैं, और फिर ये अब नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए खा रहे हैं ताकि ये सही से अंडे हों इनके और वो अंडे फर्टाइल निकलें। और जो मैंने जिस तरह आपको बताया जो इनके बच्चे बड़े हुए थे उनको मैंने यहाँ नीचे ट्रांसफ़र कर दिया है, और ये तकरीबन 10 इस दफ़ा इन्होंने बच्चे दिए हैं, ब्रीडिंग का रिजल्ट है ये। और इनके सामने भी मैंने ये लूसन डाल दिया है, और ये बच्चे क्योंकि इन्होंने कभी पहले खाया नहीं है, तो अभी ये थोड़ी देर बाद जब जाएंगे खाएंगे और इनको टेस्ट आएगा तो ये भी इसी तरह खाते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये बच्चों ने कभी लूसन खाया नहीं है, जब इनको टेस्ट लगेगा तो ये खाएंगे। देखें अब ये बच्चे कितनी शौक से ये लूसन खा रहे हैं और खाने के लिए लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और सब आपको जो है वो लूसन के करीब नज़र आएंगे। तो ये बड़े शौक से ये लोग लूसन खा रहे हैं, और ये इनके आगे आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छा है। ग्रीन सब्ज़ी इनको बहुत अच्छी लगती है क्योंकि जब ये आज़ाद होते हैं तो ये दरख्तों पर बैठते हैं और ये ग्रीन इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये पेरेंट्स के साथ साथ देखें ये बच्चे भी लूसन खा रहे हैं, और ये इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और हम आपको ये डिफरेंट जो इनकी हेल्थ की नीड है उनके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे। तो आप हमारा चैनल अहमदनामा सब्सक्राइब करें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और नेचुरल वीडियो के लिए हमारा साथ। तो ये तो था हमारा तोतों का सेक्शन जिसमें मैंने आपको ये इनका लूसन डाल के दिखाया। अब मैं आपको मुर्गियों की तरफ लेके जाता हूँ और उनको भी ये लूसन डालता हूँ। तो देखिए हमने अपने ये मुर्गियों को भी अब लूसन डाल दिया है, और ये मुर्गियाँ भी लूसन खा रही हैं इस वक्त। बहुत तेज़ हवा चल रही है इस वक्त कराची में, और ये देखिए ये भी हमारे मुर्गे, इनके सामने भी हम लूसन डालते हैं। तो असील मुर्गे और उसके बच्चों के लिए हम ये ज़ीरो की फीड डालेंगे इनको, इनको हम लूसन नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। तो देखें ये हमने असील मुर्गी के सामने बाजरा रख दिया है, और ये अपने बच्चों के साथ जो है वो सुबह सुबह की फीड खाने के लिए, अगर बच्चे कैसे छलांगे मार के इसकी तरफ आ रहे हैं। और अब हम इसको पानी भी इसके सामने रख देते हैं। 6 बच्चे हैं इसके, 5 बच्चे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, एक वो पीछे जो है वो फंसा हुआ है, वो कोने पे आपको नज़र आ रहा होगा और वो भी अभी आ जाएगा। तो अब हम इसके आगे पानी भी डालते हैं ताकि ये सुबह सुबह की फीड जो है वो सही से इंजॉय करें। बच्चे देखिए कितने एक्टिव हैं, और ये 5 दिन के बच्चे हैं, काफ़ी एक्टिव हैं क्योंकि इसको हमने शुरू में गुड़ का पानी भी पिला दिया था और इनको हमने फीड पर रखा हुआ है, लेकिन पहले 2 दिन हमने इनको बाजरा दिया था। तो ये अच्छे से अब अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, और अभी हमने अपने ये मुर्गों के सामने भी देखें रख दी है फीड और लूसन रख दिया है, और मुर्गियाँ भी देखें लूसन खा रही हैं इस वक्त। तो आज इनको हमने ग्रीन पे ही फूड पे रखा है, हमने अपने तोतों को भी लूसन दिया है, मुर्गियों को भी लूसन दिया है, तो आज का दिन इनका ग्रीन फूड का है। तो शाम में इनको हम फीड देंगे, लेकिन हमने अपनी असील जो मुर्गी हैं और उसके बच्चे हैं इनको हमने लूसन नहीं दिया क्योंकि ये भी छोटे हैं, कोई हजमे का मसला ना हो जाए, तो इसको हमने अभी जो है वो फीड ही दी है। देखें इनकी मदर इनको फीड क्रश करके दे रही है। तो ये तो था आज का हमारा वीलॉग जिसमें हमने अपने बच्चों को भी आपको दिखाया, तोतों का और ये मुर्गियों का भी दिखाया। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल अहमदनामा को सब्सक्राइब करें, और इनकी जो अपब्रिंगिंग है और जिस तरह बड़े होंगे चूज़े, मैं आपको डेली की बताता रहूँगा कि कितने बच्चे कितने, और आप दुआ करेंगे सारे के सारे बच जाएँ और ये सारे के सारे हेल्दी और बड़े हो जाएँ। अल्लाह हाफिज़।